नमस्कार, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पोइम करेंगे। एक से दस तक की गिनती के पोइम है राजा का बेटा। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार आपने मना लिया होगा, तो आपका त्यौहार उम्मीद करते हैं अच्छा रहा होगा। तो इससे आपको ये शिक्षा लगी है कि हम अपनी बहन के साथ अच्छे से रहेंगे, भाई के साथ अच्छे से रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके बिना हमारा भी मन नहीं लगता है, पर क्या करें, मजबूरियां है। तो आप मेरे द्वारा बताई गई पोइम को घर पर बोलकर याद करेंगे, तो ये मैंने लिखवा भी दी है ताकि आप इसे देख करके और याद कर सकें। ये कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको पोइम बोलना सीखने के लिए याद करना है। तो देखिए, एक बड़े राजा का बेटा, एक बड़े राजा का बेटा, दो दिन से बिस्तर पर लेटा, दो दिन से बिस्तर पर लेटा, तीन महात्मा सुनकर आए, तीन महात्मा सुनकर आए, चार दवा की पुड़िया लाए, चार दवा की पुड़िया लाए, पांच दिनों तक गर्म कराए, पांच दिनों तक गर्म कराए, छठे दिन में दवा पिला, छठे दिन में दवा पिलाई, सातवें दिन में आया आराम, सातवें दिन में आया आराम, आठवें दिन वो लग गए काम, आठवें दिन वो लग गए काम, नौवें दिन ये बात बताई, नौवें दिन ये बात बताई, दस तक गिनती सबको आई, दस तक गिनती सबको आई। प्यारे बच्चों, आप इस पोइम को याद करेंगे और बोलेंगे। मैं एक बार यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। पोइम का नाम है राजा का बेटा। नंबर दिया है एक, एक नंबर पे आप बोलेंगे एक बड़े राजा का बेटा, एक बड़े राजा का बेटा। फिर दो पर बोलेंगे दो दिन से बिस्तर पर लेटा, दो दिन से बिस्तर पर लेटा। तीन नंबर पर आप बोलेंगे तीन महात्मा सुनकर आए, तीन महात्मा सुनकर आए, चार दवा की पुड़िया लाए, चार नंबर पर लिखा चार दवा की पुड़िया लाए, चार दवा की पुड़िया लाए, पांच दिनों तक गर्म कराई, पांच दिनों तक गर्म कराई, छठे दिन में दवा पिलाई, छठे दिन में दवा पिला, सातवें दिन में आया आराम, सातवें दिन में आया आराम, आठवें दिन वो लग गए काम, आठवें दिन वो लग गए काम, नौवें दिन ये बात बता, दस तक गिनती सबको आई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको दस तक गिनती आई होगी। ये कोई आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सुनाएं और सिखाएं। और प्यारे बच्चों, आपको जो काम दिया जाता है उस काम को आप कॉपी पर करें और पोइम को आप सिर्फ बोलना सीखें। तो बच्चों, आप प्यार से रहें और अपना काम समय पर करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप कभी भी जिद नहीं करें और मिलजुल कर रहें।